अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना पाकिस्तान रेलवे में खुश आमदीद दानियाल बात कर रहा हूँ। ये प्लेटफार्म नंबर 2 पर सिग्नल कर दिए गए हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 पर आएगी 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, जिसका क्रॉस हफ्साबाद में होगा, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। और यहाँ पर स्टेशन जो है बमुश्किल 50 मीटर होगा, और वो भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी फोग है। 47 अप जो है हफ्साबाद पहले आ जाएगी, तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे रुकेगी, और उसके बाद जो है 46 आएगी, और फिर 47 का और 46 का डिपार्चर कराया जाएगा। आइए फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ स्टेशन पे जाके मनाजर, क्योंकि स्टेशन तो अभी भी देख लें तकरीबन 25 मीटर दूर रहेगी, लेकिन अभी भी वाजे नज़र नहीं आ रहा, इतनी फोग है। जो ट्रेन की स्पीड्स हैं वो 40 किलोमीटर से नीचे नीचे ही आ रही हैं, 40 से ऊपर कोई भी ट्रेन की स्पीड नहीं जा रही। जी हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये जो प्लेटफार्म नंबर 1 पर रश है वो सारा है 46 का, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो रश है वो है सारा 47 का। 46 रन जो है प्लेटफार्म नंबर 1 पर आएगी, 47 जो है वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आएगी। 47 को जो लीड कर रहे हैं वो आए हैं शेख एक्सन साहब, और साथ आरफ साहब हैं, और PH20 लीड कर रहे हैं। 46 को जो लीड कर रहे हैं वो लाला मूसा की शान, अब्दुलशकूर लोन साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन हमें भी यहाँ पे 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे अगर मौसम साफ होता तो 47 जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता था, लेकिन अब जो है लेट हो सकती है, क्योंकि मौसम जिस तरह की सूरत हाल है शहर के अंदर ये साहब है, तो शहर के बाहर क्या होगा। इधर से देखा जा सकता है कि जो सिग्नल थे वो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहे। जी फाइनली तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो हॉर्न है वो सुनाई दे दिया गया, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा फोग है कि नज़र नहीं आई, लेकिन हॉर्न जो है वो सुनाई दे दिया गया। प्लेटफार्म नंबर 2 पर इसका अराइवल होगा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पर। सिर्फ लाइट्स जो नज़र आ रही हैं, जिंदाबाद। PH78315 लीड कर रहे हैं। बहुत आगे लेके जा रहे हैं, बहुत ही आगे। डिपार्चर्स का होगा वाया PLC, आगे सिग्नल की जो है वो वाया टूटी हुई है, और तकरीबन जो है 47 को यहाँ पर 40 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, और डिपार्चर पर भी देखें अब कितना इंतज़ार करती है। लाइट्स जो हैं नज़र आने शुरू हो गई हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस की। बाइक वाले जो हैं नहीं बाज आ रहे, ट्रेन जो है वो सड़क पे आ गई है। 46 नॉन पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है,
इसके ड्राइवर हैं अब्दुल शकूर लोन साहब, लाला मूसा की जान शान। ये जो है मेन लाइन से लूप लाइन पर आ चुकी है। कितने बंदा पहली साइड थी ना पीएच 20 लीड कर रहा है। एट 316 नहीं जी, मुकम्मल तौर पर लूप लाइन पर आ चुकी है। ऐसी बिजनेस है और इकॉनमी क्लासेस हैं। ये डाइनिंग कार है, सिग्नल कर दिया गया है। रहमान बाबा नहीं जी, इसका अराइवल होते साथ ही ये डिपार्चर कर दिया गया पीएलसी दे के। खड़ी हो जी, मियां साहब अल्लाह ताला के हवाले, ध्यान से जाइएगा। साथ साथ हम भी चलते आ रहे हैं क्योंकि टाइम क्यों है, टाइम देख 20 मिनट 18 पौंदा अराइवल तो 20 तेंदा डिपार्चर। तकरीबन 40 मिनट यहाँ पर रुकी है, मेन लाइन पर ही है, जल्दी स्पीड पकड़ लेगी। हाफिजाबाद ये 46 डाउन का रश देख लें, और ये 47 जा रही है। 40 मिनट यहाँ पर रुकी है ये पिकअप पकड़ते हुए। एसी बिजनेस और ये पावर मैन अली, उधर आ जा, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये इधर ही आ जा, अभी हम आपको 46 का डिपार्चर भी दिखाते हैं। नहीं, डिपार्चर विसल भी कर दिया गया क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। हाँ जी, लें जी इसी के साथ डिपार्चर। 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी जो कि 1 घंटे से ज्यादा लेट है। ये भी लोन साहब फरमा रहे हैं जी, मुसाफिर जो हजरात जो लेट हो गए थे वो है। नहीं तो दोबारा जिसको रोक दिया गया था, अभी 1 मिनट बाद ये दोबारा रन स्टार्ट हो चुकी है।
डिपार्चर कर दिया गया दोबारा इसका। सबसे पहले पावर वैन है, फिर दो एसी स्टैंडर्ड कोचेज हैं, उसके बाद एसी बिजनेस है। कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस एनसीएस, जो कि अब एनसीएस के तहत नहीं रही। ये भी एनसीएस का स्टिकर लगा हुआ है। एसी बिजनेस से भी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देख सकते हैं रश की सूरत हाल। मुसाफरों की बात भी आप सुन रहे होंगे, कितना रश है, जो सूरत हाल है रश की देखो। लोग झगड़ा कर रहे हैं कि अंदर जगह ही नहीं है, आप अंदर क्यों आ रहे हो, तो ये सूरत हाल है। रश बहुत ही ज़्यादा है इस पर। ये 18 नंबर कोच है, इसमें अफसाबाद का भी कोट है, जेहलम का और दीना का। इसी के साथ 46 डॉन भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है, और हाफसाबाद स्टेशन पे जो रौनकें थी वो ख़त्म होने को आईं।